मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे इलाके में चोरी हुए 3 महीने के बच्चे को पुलिस द्वारा मात्र 12 घंटे में बरामद करने का बड़ा मामला सामने आया है। डीआईजी मुरादाबाद ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शुक्रवार की देर रात थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के गदाई खेड़ा निवासी कल्लू के 3 माह के बच्चे भानु को अज्ञात लोग घर से उठा ले गए थे, जिसकी सूचना पीड़ित परिवार ने थाना मुंडा पांडे पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने कई टीमें बनाकर तुरंत मासूम बच्चे की पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने वहीं के रहने वाले 4 लोगों को सर्विलांस पर लिया तो उन्होंने पूछताछ में पूरे घटनाक्रम होना बताया। दरअसल गांव का रहने वाला नीटू नाम का व्यक्ति बच्चे को बेचने के उद्देश्य से अपने साथियों के साथ मिलकर उठा ले गया था। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि किसी निसंतान दंपत्ति को बच्चे की आवश्यकता थी, जिसे बेचने के लिए उठाया था। पकड़े गए आरोपियों में नीटू सहित कुल 4 लोग हैं और बच्चे को भी मात्र 12 घंटे में सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। डीआईजी शलभ माथुर ने इस मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया है। ले गए थे हमारे गांव के पुलिस ने इतनी जल्दी इसको बरामद कर लिया, क्या कहना? पुलिस ने इसे बरामद करके दिया, उन्हें धन्यवाद कहना है मुझे। कितने महीने का है ये? महीने का, 3.5 महीने का है। कैसे खो गया था? चोरी कैसे हो गया? सोता हुआ पकड़ा गया था, उठा लिया था। अच्छा, सोते हुए। नीतू कौन है, आपके क्या रिश्तेदारी है? बस मोहल्ला पड़ोस के देवर लगते हैं वो। क्या कोई उनसे लड़ाई वगैरह दुश्मनी? लड़ाई वगैरह दुश्मनी कुछ नहीं थी हमारी। खुश हैं आप, बच्चा मिल गया? हाँ, मैं खुश हूँ, अब बच्चा मिल गया तो। जी, ये कल रात की घटना है, यानी कि आज अर्ली मॉर्निंग आप जिसे कह सकते हैं, और इसके अंदर 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है उसके द्वारा बताया गया है कि रात में अपने 3 साथियों के साथ करीबन 1 बजे इसने ये घटना की थी। परिवारजनों को ये घटना की जानकारी इसके बाद हुई, लगभग 4 बजे के ऊपर उनके द्वारा डायल 112 के ऊपर सूचना दी गई। पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इसके अंदर घटना का अनावरण किया गया है, और घटना के अंदर जो मुख्य अभियुक्त प्रकाश में आया है, ये जो दंपत्ति जिनका बच्चा चोरी किया गया था उन्हीं का रिश्तेदार है, और इसकी गतिविधियां कल से ही संदिग्ध थी। संदिग्ध इन दी सेंस कि ये मूलतः वर्तमान में मझूला के अंदर रह रहा है, और कल ये गांव में देखा गया। ये पुलिस ने अपने स्तर से भी इस चीज़ की पुष्टि की, और रात में जो दंपत्ति है उनकी वाइफ ने भी इस चीज़ को देखा कि रात में वहाँ पर पाया गया है। उसके ऊपर इनकी पूछताछ के अंदर इसने अपने 3 साथियों के साथ में घटना का खुलासा किया। बेसिकली इनका जो प्लान था वो ये था कि एक निसंतान दंपत्ति से ये टच में आए थे, और लगभग 1.5 लाख रुपए के अंदर, जो इन्होंने अपनी शुरुआती पूछताछ के अंदर बताया है कि ये दंपत्ति को, जो निसंतान दंपत्ति को था, ये बच्चा हैंडओवर देने का प्लान किया था। जब ये वहाँ पर पहुँचे हैं तो उनको जब पता लगा है कि ये बच्चा इस तरीके से चोरी से उठा के लाया गया है, तो उन्होंने इसको लेने से इनकार कर दिया है। जो इन्होंने उनके बारे में क्लू दिए हैं उससे उनकी भी शिनाख्त की जा रही है कि वो लोग कौन हैं, और तत्कालीन कार्रवाई की गई है जो पुलिस के द्वारा, और 4 लोगों को गिरफ्तार जो किया गया है उसके अंदर मेरे स्तर से पूरी पुलिस टीम को 50,000 रुपये का और प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं। और आरोपियों का आपस में क्या संबंध है, क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है? आरोपी जो मुख्य अभियुक्त है नीटू, उसके साथ एक सह अभियुक्त नितिन जो है, ये नितिन जो है नीटू का साला है। साथ ही साथ 2 लोग और हैं, धनपाल और शिशुपाल। धनपाल और शिशुपाल वो व्यक्ति हैं जो नीटू के साथ में वहीं पर मझोला के अंदर रहते हैं। वर्तमान की जो पूछताछ है और जो हमारे अभिलेख हैं उसके हिसाब से इन 4 की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, बट क्योंकि घटना का खुलासा तत्काल ही हुआ है और आप लोग का भी वर्तमान में ब्रीफ किया जा रहा है, हो सकता है और पूछताछ के अंदर और हम लोग के अन्वेषण के अंदर और इन लोग की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री इस तरह की निकल के आए तो उसके ऊपर भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नीटू ने बच्चा चोरी क्यों किया था? कोई पैसों का लेन देन था? पैसे का लेन देन 1.5 लाख रुपए, जैसे मैंने बताया कि जो तय हुआ था वो जो निसंतान दंपत्ति को देने का था वो 1.5 लाख रुपए में देने का तय हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।